मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल विथ न्यू वीडियो। तो आज मेरे फ्रैक्चर का पूरा हो चुका है 90 दिन के आसपास पूरे हो चुके हैं मेरे फ्रैक्चर को। और मेरी कंडीशन देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको कैसी है। ये मेरा फीवियर टीबिया फेबुला वाला पैर है और फीमर वाला है। तो फीमर का पैर भी जो है आराम से उठा लेता हूँ मैं, कोई परेशानी नहीं है। और टीबिया फेबुला वाला भी आराम से मूवमेंट हो जाता है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंडीशन है मेरी। ओवरऑल स्वेलिंग वगैरह सारा चीज़ जा चुका है मेरा। हल्का फुल्का स्वेलिंग मेरा जो है वो फीमर वाले में है, और दर्द भी थोड़ा बहुत फीमर वाले में ही है। और फीमर वाला भी तभी दर्द देता है जब मैं पैर को उठाता हूँ या कुछ इधर उधर करने की कोशिश करता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं अब बेड से, ये जो बेड है मेरा, बेड से मैं खुद ही चेयर पे भी आ जाता हूँ, चेयर से खुद ही बेड पे भी चला जाता हूँ। और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैं अपने पैर पर खड़े हो जा रहा हूँ अभी। और टीबिया फेबुला वाले भी पैर से तो डॉक्टर ने मेरे को चलने के लिए बोल दिया है, लेकिन अभी मैं चल इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे फीमर वाले बोन पे उस तरह की हीलिंग नहीं हो पाई है जितना टीबिया फेबुला वाले में हो चुकी है। टीबिया फेबुला वाला जो बोन है वो मतलब उसको 30% बोल सकते हैं अपन, 20-30% बोन हील हो चुका है। और फीमर वाला जो है वो 5-10% हील हुआ है, तो उस तरह से अभी वजन नहीं डाल सकता। मेन क्या है कि मेरा दोनों पैर में इंजरी है और दोनों पैर फ्रैक्चर है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई चांस नहीं लेना चाहता कि फिर से वो मैं जीरो से स्टार्ट करूं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी देखे हैं कि बहुत लोगों के जो फ्रैक्चर हुए हैं उसमें जो रॉड वॉड डली है वो 9-9 महीने बाद भी टूट चुका है। 9 महीने बाद, किसी का 8 महीने बाद, किसी का 7 महीने बाद क्रैक हो चुका है, वो रॉड ही टूट जाता है। तो वो चीज़ मैं दोबारा वो चीज़ मैं नहीं अपनाना चाहता कि मेरे को फिर से दोबारा जाके फिर सर्जरी कराना पड़े, इसलिए मैं ओवर प्रिकॉशन लेके चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। तो बस यही वजह है कि थोड़ा सा मैं ओवर सेफ्टी के साथ चल रहा हूँ। और ओवरऑल बस यही है, लगभग मेरा जो सूजन था, जो सूजन और जो दर्द था, वो दर्द मेरे को जाते जाते करीबन 1 महीने का वक्त लगा। और सूजन मेरे फीमर वाले पैर में जो था और टीबिया वाले जो पैर में था, उसको जाते जाते टीबिया वाले पैर में जो था वो पहले ही चला गया था, लेकिन फीमर वाला जो पैर था उसमें जाने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत सूजन स्वेलिंग आज भी है। तो वो जाते जाते थोड़ा सा मेरे को टाइम लग रहा है। फीमर वाला तकरीबन आज मेरे को 90 दिन कंप्लीट होने वाले हैं, 90 दिनों के आसपास में मैं हूँ। तो 90 दिनों के आसपास में भी होने के बाद भी मेरा फीमर वाला जो है स्वेलिंग अभी भी है पैर में, उतना नहीं है लेकिन फिर भी है, बिल्कुल माइनर स्वेलिंग है लेकिन है। और आपको ये कहना चाहूँगा मैं कि ये हर इंसान के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट जिसका होता है, हर इंसान का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, और उसी तरह से अलग अलग समय के हिसाब से स्वेलिंग, दर्द और हीलिंग प्रोसेस जो है वो अलग अलग तरीके से हर इंसान का अलग अलग होता है। सबका एक जैसा एक समान नहीं हो सकता, किसी का जल्दी होता है, किसी का थोड़ा सा टाइम लग जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसा कंडीशन है। तो स्वेलिंग और दर्द का ये कहानी है मेरा। स्वेलिंग बिल्कुल नहीं है फिलहाल टीबिया वाले में, और फीमर वाले में बिल्कुल माइनर स्वेलिंग है, दर्द बिल्कुल जा चुका है। फीमर वाला हल्का फुल्का बिल्कुल वो भी माइनर दर्द होता है जब मैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने की कोशिश करता हूँ तब। और पता नहीं फीमर वाला बोन हील होने में क्यों इतना वक्त ले रहा है, मुझे आई डोंट नो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर के पास जाने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर मेरे को 4 महीना बोला है तो मैं 5 महीने के बाद उसके पास जाऊँ, 1 महीना अपने तरफ से एफर्ट डाल के जाऊँ ताकि और थोड़ा सा और मजबूती से हड्डी जुड़ी है और वो हील हो जाए ताकि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली मेरा वेट जो है वो 90 kg का है, तो थोड़ा सा मेरे को भार देने में ना डर लगता है कि कहीं कुछ अगर उल्टा सीधा हो गया, चाहे माइनर सा भी इधर उधर कुछ हो गया, तो फिर से मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता क्योंकि ये 4 महीने का वक्त मैं कैसे गुजारा हूँ मुझे ही पता है। और बहुत सारे ऐसे फ्रैक्चर फाइटर होंगे जो अपनी ये 3-4 महीने का वक्त वो लोग कैसे गुजारते हैं, कैसे उन लोगों का गुजरता है, उन लोग का दिल ही जानता है, और सिर्फ उन्हीं लोग समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता ये चीज़। और जो उनके सेवा में लगे हों वो लोग जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो स्वेलिंग और दर्द का ये है कहानी। तो स्वेलिंग और दर्द आपको जाते जाते किसी का जल्दी जा सकता है, किसी का थोड़ा सा लेट लगता है, किसी का काफ़ी ज़्यादा लेट लगता है, वो ट्रीटमेंट के ऊपर और हीलिंग के ऊपर है। तो बस यही है, यही जानकारी देना था आपको। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक लिए बाय बाय। और हाँ एक बात और, अपना बिल्कुल ख्याल रखें, डाइट अपना अच्छे से रखें, अपना बिल्कुल ध्यान रखें, चलने की ज़्यादा जल्दी मत करें, बिल्कुल सब्र रखें अपने दिल में, और बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक होने का इंतज़ार ज़रूर करें, और समय समय पर डॉक्टर का एडवाइस ज़रूर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।